देखो क्या ही लोकेशन और क्या ही सीन आ रहा है पीछे, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और आप लोगों ने सिनेमेटिक शॉट्स में तो बाहर से वीडियो देख लिया, अब चले हम ज़ियारत करने के लिए। अगर अंदर शूट अलाउड रहेगा तो ही शूट कर पाऊंगा, वरना शूट नहीं कर पाऊंगा। और वहाँ पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक भी है, तो वो भी आप लोगों को ज़ियारत करवाऊंगा। तो बने रहना, मैं पहले भी आ चुका हूँ, इस वजह से मुझे पता है अब पीछे आस्थाना है और यहाँ का लोकेशन देखो कितना प्यारा आ रहा है। अब चलते अंदर, ज़ियारत करवाता हूँ आप लोगों को, तो बने रहना ठीक है, जो भी है जैसा भी है। और ज़ियारत करने के बाद देखो, मैं बैग भूल गया था ब्लॉगिंग के चक्कर में। ज़ियारत करने के बाद यहाँ से निकलेगी और 9:45 की ट्रेन है हमारी। चलो जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने आप लोगों को ज़ियारत करवा दी शाहिल शाहबाद की दरगाह की, और अभी जा रहे हैं हम लोग हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक की ज़ियारत करने के लिए। वहाँ पर वीडियो अलाउड रहेगा तो मैं वीडियो करके बताऊँगा। देखो ये पीछे शाहिल शाहबाद की दरगाह है ना, उसके सामने ही जस्ट लेफ्ट साइड में बाहर निकलते के शहर में आप लोगों को देखो ये पीछे लगेगा मज़ार, तो इसके अंदर है कदम मुबारक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो आप लोगों को ज़ियारत करवा, तो चलते अंदर सीधा और ज़ियारत करो आप लोग भी, अगर वीडियो करना अलाउड रहा तो, वरना फिर नहीं करवा पाऊँगा ठीक है। तो देखो मैं ज़ियारत करने गया था कदम मुबारक की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, पर वीडियो अलाउड नहीं था, फोटो भी अलाउड नहीं था, वीडियो भी अलाउड नहीं था, इस वजह से मैं आप लोगों को बता नहीं पाया। तो सॉरी कहना चाहता हूँ, और रूल्स है, रेगुलेशन है, तो फॉलो करना पड़ता है। अब फिर से चले वहाँ पर ही, और जैसे कि आप लोगों को अंदर से मैंने ज़ियारत करवाई, और ये मस्जिद है, अब मस्जिद में जाते हम। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो पीछे मेरे, ये है मस्जिद। अब मस्जिद के अंदर चलते, और मस्जिद के अंदर भी आप लोगों को मैं ज़ियारत कराता हूँ, जो अंदर में सब है रखा हुआ। अंदर में चलते और मत जाने। तो मस्जिद में जाने के पहले मैंने पीछे घूम के देखा, तो देख पा रहे हो आप लोग पीछे दिख रहा है, यहाँ पर देखो मेरे पीछे जस्ट, और दरगाह के ये दिख रहा है, यहाँ पर सनराइज़ हो रहा है और काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। जैसे कि देखा आप लोगों ने, मैंने एक वीडियो लिया उसके अंदर दरगाह की, थोड़ा ऊपर आने दो और सनराइज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर से मैं शूट करूँगा और फिर उसके बाद मस्जिद में जाते हम लोग ठीक है। चलो तो बस जैसे कि आप लोगों ने देखा सनराइज हो रहा है पीछे से, वो अब चले मस्जिद में, मस्जिद में जाकर आप लोगों को मिलता हूँ ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने मस्जिद की भी वीडियो देख ली होगी, और हम लोग यहाँ पर है, थोड़ा फोटोशूट कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे, और निकलने के बाद मैं देखता हूँ ट्रेन में, इसमें ही कंटिन्यू करूँगा अजमेर जाते वक्त का, या फिर ब्लॉग को एंड कर दूँगा अजमेर जाकर। और कितना बड़ा बन रहा है, कितना शूट हो रहा है, कुछ भी मुझे पता नहीं है। इस वजह से गाइस एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं, कि वीडियो में आप लोगों को एंडिंग कहीं पर भी मिल सकती है ठीक है, पार्ट वाइज ब्लॉग आएगी, सीरीज चलते रहेगी ठीक है। चलो तो बस ज़्यादा करके बाहर निकले, और यहाँ पर चाय पीने का भी सोचते हैं, चाय पीने का यहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, दूसरी दुकान पर दूसरी शॉप पर वहाँ पर चाय पीएंगे और उसके बाद निकलेंगे। चाय पीना थोड़ा जरूरी है, सुबह सुबह मूड अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पे चाय पी लिया, और एक रिक्शा हम लोग ने 5 जन की भेज दिया स्टेशन पे। हम लोग 5 जन रुके, मैं अब्दुल, शाहरुख, अतीक और समदानी हैं। हम लोग अभी निकलेंगे और मिलता हूँ स्टेशन पर, ब्लॉग को वहीं पर एंड करेंगे, उस ब्लॉग को, ये ब्लॉग को अपन सीधा एंड करेंगे अजमेर में ठीक है।
ट्रेन में कुछ शूट करने नहीं रहेगा, थोड़ा कव्वाली वगैरह होगा, अभी दिन है तो ऑफकोर्स कव्वाली वगैरह थोड़ी बहुत होगी, तो उसका मैं शूट करूँगा और उसके बाद लोग को एंकरेज अजमेर में, ठीक है चलो भाई। तो देखो अहमदाबाद स्टेशन पर आ चुका हूँ और जहाँ पर हम लोगों ने लॉकर में बैग वगैरह रखा था वहाँ से बैग वगैरह ले लेते और उसके बाद प्लेटफॉर्म पर जाएगी। चलो तो सब सामान वगैरह ले लिया जैसे लॉकर में से, तो इससे तो बचना पड़ेगा हमको। सामान वगैरह ले लिया है, अब प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जाते हैं, वहाँ पर हमारी गाड़ी आएगी गोरखपुर एक्सप्रेस और फिर निकलेगी, ठीक है चलो। तो गाइस देखो ये रही पीछे हमारी ट्रेन है और निकल रहे अजमेर के लिए, बैठ गए, बैग वगैरह सब रख दिया है। आप लोगों को पोजीशन बता दो, S4 में सीट है और S5 में थोड़ा एडजस्टमेंट अभी करेंगे और बैठ जाएंगे, मतलब बैठे बैग वगैरह तो सब रख दिया है। निकल दे यहाँ से, मिलता हूँ थोड़ा शूट करूँगा ट्रेन में और उसके पास सीधा अजमेर में, ठीक है। खाना खा लिया और खाना खा कर बैठे यहाँ पर, बाकी सब लोग सो गए। मैं जिसे ट्रेन में ऊपर आया ट्रेन में बैठा तभी से सोया था, उठा खाना खाने के लिए तभी बैठा हूँ, तो बस यही था। अजमेर उतरता हूँ उसके बाद बैठा हूँ, ठीक है चलो भाई। फाइनली ख्वाजा जी की बस्ती में आ चुके हैं। जैसे कि पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा अजमेर स्टेशन बाहर निकले हम लोग और जा रहे हैं अभी जहाँ पर हमारी रूम है वहाँ पर चलते जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, तो इस वजह से मैं व्लॉग को रूम पर जाकर एंड करूँगा। तो देखो पीछे जैसे कि आप लोगों को स्टेशन दिख रहा है इसी में, अब चलते हैं, चल रहे हैं हम लोग, सब लोग बाहर आ गए, जाते हैं अभी रूम पर और उधर ही मिलता हूँ, ठीक है चलो भाई। और ज़्यादा आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में करवाऊँगा, चलो। तो देखो फाइनली रूम में आ चुके हम लोग और काफ़ी ज़्यादा थक चुके सब लोग, तो देखो चाय पीने बैठे सब, चाय लेकर आके चाय पी रहे और ये लोग को यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दे देना, कमेंट करना, बंदा कैसे लगा और सब्सक्राइब बटन सब लोग मिल कर दबा दो। चलो मिलते चल के शानदार ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, दुआ में याद रखना, मेरे जिक्र का दुआ पर स्वाद रखना, बाय बाय। घूम नहीं कर सकता चाहिए तो।